Hey guys, welcome to this vlog again, vlog in mind, and I hope आप लोग अच्छे होंगे. So मैंने आपको last vlog में जैसे बताया था, मेरा GoPro जो था थोड़ा सा issue कर रहा था, hang होता है, वो हर GoPro होता है जैसा कि मैंने सुना है. So मेरे को setup में थोड़ा सा issue आ रहा था, तो मैंने एक नया camera order किया, that is Insta 360 Ace Pro. क्योंकि मेरे पास Insta 360 X3 था, which is a 360 degree camera. और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे उसके. काफ़ी टाइम से मैं GoPro से ही व्लॉग कर रहा था. इट्स नॉट अ बैड कैमरा आई एम सेइंग, बट मेरे साथ शायद इश्यूज आ रहे थे, एक दो बार हैंग हुआ, तो मेरे को राइड में काफ़ी परेशानी हुई उससे. मैंने अपनी व्लॉगिंग GoPro से शुरू की थी, नियर डियर कैमरा यू कैन से. सो उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये इश्यूज रिजॉल्व हो नहीं रहे हैं, तो क्या होना चाहिए इसमें. तो मैंने दूसरा कैमरा मैंने ऑर्डर किया, विच वॉज Insta 360 Ace Pro. तो चलो मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ. सो जैसा कि आप देख रहे हो, ये मैंने एक कैमरा ऑर्डर किया है. दिस इज Insta 360 Ace Pro. ये काफी कैमरा देखने में तो काफी सॉलिड लग रहा है, और इसके साथ मैंने कुछ एक्सेसरीज भी मंगाई है. जैसे इसका केस है ये, जो ब्लॉगिंग के काम आएगा सेटअप, और ये है माइक अडाप्टर, काइनोवा का है. और ये वाला जो है, एक ही जो रिकमेंड कर रहा था मेरे को ऑनलाइन, तो मैंने ये वाला मंगाया. लेट्स सी इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है. यार बिल्ड क्वालिटी तो उसकी बहुत अच्छी है. ये पूरा मेटल का है यार, नाइस. चलो उसको अलग रखते हैं और बाकी चीज़ें भी अनबॉक्स करते हैं. इसके साथ एलन की है और इसका माउंट है, वेरी नाइस. तो ये है माइक अडाप्टर, इसका काफी अलग है GoPro से, बट इट लुक्स सॉलिड. सो गाइस, अगर बात करें कैमरे की, तो जैसा कि मैंने बताया, इसका नाम Insta 360 Ace Pro है. दिस इज द लेटेस्ट कैमरा बाय Insta 360. लुक्स प्रीटी सॉलिड. अभी देख लेते हैं इसमें क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो सबसे बढ़िया पार्ट मुझे लग रहा है अभी तक, जो इसका फ्लिप स्क्रीन है जो मैं आपको दिखाऊंगा, और दिस इज ऑल्सो वाटर प्रूफ टिल 33 feet, और इसका मैग्नेटिक माउंट सिस्टम है इसमें, और जेस्चर कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल ये भी है इसमें. एंड हाँ, ये इसका सबसे बड़ा जो अच्छा है GoPro के ऊपर, कि इसका AI हाईलाइट असिस्टेंस है. तो ये एक चीज काफी अच्छी है इसकी, जिसके लिए मैंने ट्राई करने के लिया है. 1x1.3 इसका जो सेंसर है, और इसमें 4K 120 स्लोमो है, प्लस 8K में भी ये आपको रिकॉर्डिंग करता है. ये फर्स्ट कैमरा है जो लॉन्च हुआ है जो 8K में रिकॉर्डिंग कर सकता है. अभी चलो उसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं. सो दिस इज द कैमरा, लुक्स प्रीटी सॉलिड. और इसका जो कैमरा है, एक चीज मैं इसकी बताऊंगा आपको, ये लाइका, वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस. सो उनसे टाई अप करके लाइका का लेंस है. ये इसका मेमोरी कार्ड क्लियर आपको शायद दिख रहा हो, और प्लस चार्जिंग पोर्ट यहाँ से है. इसका मेमोरी कार्ड मंगवाया है, कल आने वाला है, सो वो फिर उससे टेस्ट करेंगे. दिस इज द बैटरी, सेम एज GoPro, जो सेम सिस्टम टाइप जो बैटरी आती है वही बैटरी है इसकी. कैमरा लुक्स गुड, और जो बेस्ट पार्ट है इसका, ये इसका फ्लिप स्क्रीन है, ये देखिए. सो अगर आप ऑन करते हैं, देखते हैं, या दिस इज द वे इट्स गेट ऑन, और ये इसका फ्लिप स्क्रीन है. ओके, सो मैं इसका सेटअप करके फिर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको अपना जो पूरा सेटअप है GoPro से मैंने इस पे शिफ्ट किया है, जैसे मैंने बताया आपको, तो उस पे जाके मैं कैमरे में माउंट करूंगा. इसका सब कुछ मेरे को देखना पड़ेगा कि कैसा वर्क करता है बेसिकली, इज इट बेटर देन GoPro, हैंग कैस हो, इश्यूज तो नहीं है, सब कुछ इसका टेस्ट करना पड़ेगा मेरे को. सो बट द कैमरा लुक्स वेरी नीट सॉलिड. तो इसमें दो तरीके के आते हैं. सो एक Insta 360 Ace है, और ये वाला उसका हायर वर्जन है, विच इज द Ace Pro. हैवी है, थोड़ा सा हैवी लग रहा है वेट में,
मैं कंपेयर करूंगा GoPro के साथ, मैं इतना ध्यान आ नहीं रहा है लेकिन उसके साथ कंपेयर करूंगा। सो अपार्ट फ्रॉम दिस बॉक्स में देखते हैं और क्या क्या है। सो बेसिकली दिस इज द बॉक्स, आई थिंक और कुछ नहीं है इसमें। ओके सो बेसिकली इसका स्टिकर्स हैं, प्लस इसके लिटरेचर है, वारंटी कार्ड है, सो दीज आर स्टफ। और इसका चार्जिंग केबल, ये है इसका चार्जिंग केबल। सो दिस इज अ चार्जिंग केबल, ये क्या है, या दिस इज अ मैग्नेटिक माउंट। ये ऐसे ऐसे इसमें लग जाता है, स्टडी है, गिरने का डर नहीं है। और उसको निकालना है तो फिर ऐसे करके निकालना है। डैशबोर्ड या उसके लिए माउंट है ये वाला, रियली नाइस। और यहाँ से स्टिकी है, इसको अभी निकालूंगा ही मैं। बट बॉक्स में आपको ये सब चीजें मिलती हैं, ये कैमरा, ये इसका क्लैम माउंट एंड चार्जिंग केबल। सो गाइज ये देखो, इसका ये नीचे माउंट लगा दिया मैंने यहाँ पे, एक जो मैग्नेटिक मैंने बताया था, और इसका एक ये देखिए मीडिया अडाप्टर है वो मैंने लगा दिया है। और कुछ ऐसा सा लुक इसका दिखता है सामने से। ये पूरा सेटअप तैयार है अभी हेलमेट माउंट के लिए, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सो पीपल वेलकम बैक ऑन द बाइक, एंड राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम दिस न्यू कैमरा। सो इसकी टेस्टिंग चल रही है, और आप बताओ ज़रा माइक की आवाज़ ठीक से आ रही है, आवाज़ ज़रा ठीक से आ रही है कि नहीं, विंड नॉइज़ है क्या है, ये सब देखना पड़ेगा इसमें। सो अभी आज मैं इसका टेस्टिंग करने निकला हूँ, और देखते हैं, फिंगर क्रॉस्ड। जो मेरे GoPro में इश्यूज आ रहे थे ना हैंग होने के, वो यार होपफुली इसमें ना हो, है ना। तो उसकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं अभी, फर्स्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम दिस कैमरा। कोई सेटिंग कुछ नहीं किया है, जो उसकी फैक्ट्री सेटिंग आई थी मैं उसी पे इसको चला रहा हूँ। सो पता नहीं अभी क्या आता है कि कैसा आता है रिकॉर्डिंग, ये सब उनको टेस्ट करना है इसीलिए। तो फर्स्ट मैं इसका देखना चाहता था, रॉ में देखना चाहता था, रॉ फुटेज रॉ सेटिंग पे कैसा आता है इसका। तो बेसिकली सबसे पहले वो करना था मेरे को। सो अभी देखते हैं बाकी इमेज कैसे आ रही है, आप बताओ क्लियर है कि नहीं। एंड साउंड कैसा है इसका, ये चेक करना है अपने को, तभी तो राइड पे जा पाएंगे, है ना। कल इतनी बारिश हो गई यहाँ पे, बिन मौसम बरसात बोलते हैं ना, एंड इट वॉज रेनिंग लाइक हेल। और कल शाम को हुई थी, पर उसके वजह से मौसम अभी काफ़ी प्लेजेंट है, क्लाइमेट जो है। सो धूप में इतनी गर्मी नहीं लग रही, दो तीन दिन पहले गर्मी हो गई थी तो, बट अभी काफ़ी सही हो गया है। बाकी प्रिटी हैप्पी विद, एक्साइटेड विद दिस न्यू कैमरा, न्यू सेटअप। व्लॉग्स और मज़ेदार बनाने की कोशिश करेंगे अगर ये सब कुछ ठीक है, एज़ पर प्लान चला तो। सो गाइज वेलकम टू दिस जंगल अगेन। यहाँ पे हम लोग पहले भी आ चुके हैं, अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे तो। यहाँ पे राइड करना अलग मज़ा है। सो आई होप इस कैमरे में सब कुछ कैप्चर हो रहा होगा अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे चलाने का अलग ही मज़ा है यार, क्योंकि एक तो रोड्स थोड़ी सी चैलेंजिंग है, नैरो रोड्स हैं और काफ़ी ट्विस्टीज हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चलाने का मज़ा आता है। रेनी सीज़न में तो खासकर और मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे पानी वानी सब रहता है, जैसे ये एक वाटर क्रॉसिंग रहता है
जब रेनी सीजन होता है तो। ये देखो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं ना वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के लिए भी आते हैं। मैंने काफ़ी टाइम देखा है यहाँ पे लोग फोटोग्राफर्स घूम रहे होते हैं ऊपर की तरफ। और आज तो क्लाइमेट तो खैर बहुत ही अच्छा है यार, धूप है लेकिन काफ़ी चिल्ड आउट है, मतलब उतनी ठंड नहीं है बट फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा ब्लाइंड टर्न्स है यार, अभी धीरे से चलते हैं, अचानक से गाड़ियाँ आती हैं, बाइक्स आती हैं यहाँ पे, यू नेवर नो। बाकी यहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन आई थिंक यहाँ पे पिकनिक करना अलाउड नहीं है, फेंसिंग्स लगी हुई हैं, दिस इज़ नॉट अ सेफ प्लेस, क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे अलाउ नहीं करता है यहाँ पे। और एक अच्छी बात है यार, नहीं तो यहाँ पे देखो आप सब कचरा वचरा पड़ा रहता है, वो नहीं है, क्लीन है पूरा यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छी है चीज़ यहाँ पे। तो ये आप दूर से देखो कोई मना नहीं कर रहा है, यू कैन एंजॉय द व्यू एंड ऑल, बट ये यहाँ पे जो लोग आके गंदा कर देते हैं ना, प्रॉब्लम उससे है। बाकी यहाँ पे लिखा था ब्लो हॉर्न, और ये देखिए कितना खूबसूरत जगह है यार यहाँ पे। ये देखो पूरा वाटर बॉडी है, नाइस। सो इसके क्लैम्प्स जिसपे ये कैमरा माउंट है हेलमेट से, अभी तक तो काफ़ी स्टडी लग रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरे को पहले लग रहा था कि यार निकल नुकल के गिर ना जाएं, वो सब था। वाओ क्या फ्लावर्स है यार, वाइट फ्लावर्स, ये क्या बोगनवेलिया है क्या है पता नहीं, आई थिंक सो। सो राइट नाउ एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा इसमें चैलेंज आ रहा है, इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप करना बटन, मेरे को मे बी आई एम नॉट यूज टू इट, सो इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यार राइट पे जाने से पहले ये सब चीज़ें होनी चाहिए। यू नो ट्रिप पे तो फिर भी वी कैन मैनुअली जो हम लोग कर सकते हैं इस पे ऑपरेट, दैट इज़ नो चैलेंज। बट हाँ ये जो इसका मैंने जेस्चर के बारे में बताया, जैसे स्टॉप रिकॉर्डिंग, वॉइस कमांड एंड ऑल दैट, वो टेस्ट करना है, वो अभी आई एम नॉट यूज टू इट। आई थिंक वो GoPro में भी होता है लेकिन कभी उसमें यूज़ नहीं किया मैंने, तो इसमें स्पेशली जब आप राइड कर रहे हो तो आपको वो वॉइस कमांड काफ़ी काम आएगा, तो ये सब चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं। वाह क्या रोड्स हैं यार यहाँ पे, तो लालच आता है। नाउ बाय द वे वी आर आउट ऑफ दैट फॉरेस्ट रीजन, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी स्मूथ रोड्स हैं। कल तो पूरा क्लाउड्स, एकदम ग्रे वेदर भी नहीं बोल सकते, एकदम ब्लैक क्लाउड्स थे कल, और दोपहर से हवा इतनी चल रही थी, और शाम को तो भाई क्या बारिश हुई है, ताबड़तोड़ बारिश हुई है, तो उसका तो कोई, लेकिन अच्छा लग रहा था यार, बारिश हुई थोड़ा सा क्लाइमेट और अच्छा हो गया, ये चीज़ बढ़िया है यार। बाकी यार आप लोग कनेक्ट हो उस चैनल से, सजेस्ट मी इफ यू वांट टू यू नो सी समथिंग और एक्सपीरियंस समथिंग इन लाइक फूड वाइज और ट्रैवलिंग, आप कमेंट कर सकते हो यार, एंड वी कैन अरेंज दैट अकॉर्डिंगली। सो क्या आपको विंड नॉइज आ रहा है, ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि GoPro में इट वॉज वर्किंग वेरी वेरी गुड, उसमें तो कोई इशू नहीं था, खाली उसका हैंग होने का इशू हुआ था एक दो बार, तो मैंने कॉन्फिडेंस नहीं आया।
क्या रोड है यार, लीन करने में जो मजा आ रहा है इस पे, ओए होए क्या बात है। सही, ये रोड्स में रही मैं खाली, ऐसा लग रहा है ब्लॉग भी नहीं करो, चुपचाप राइड करता रहूं ये लीन होके। बहुत मज़ा आ रहा है इन पे, काफ़ी दिन बाद निकाली है ना बाइक, इसलिए टाइम ही नहीं मिला यार। ओ वाओ लुक एट दैट, और ये यहाँ का संस्कार वैली स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है ये भी, काफ़ी ऊपर जाके है, पूरे हिल पे है ऐसे। यहाँ पे पानी कम हो गया यार, नहीं तो पूरा कवर्ड रहता है ये। सही है, सो जैसे मैंने बताया कल बारिश हो गई काफी, सो अभी मौसम बहुत प्लेजेंट है बाहर का। कल ऐसा था एकदम, कल बादल थे और आज देखो कैसा धूप निकल आया है, सो इसलिए आई डोंट वांट टू टेक अ चांस। अभी कैसा है कि यार बहुत यू नो बीमार भी हो रहे हैं काफ़ी लोगों को, कोल्ड एंड कफ एंड फीवर ये सब हो रहा है इस मौसम के वजह से। सो जैकेट इज अगेन ऑन, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे को काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स लगे इस कैमरा के, टू बी ऑनेस्ट, जो जब मैं एडिटिंग बैठा था, और आप लोग भी ने भी देखा ही होगा कि कैसा लग रहा है इसका पूरा सेटअप अभी तक। तो साउंड क्वालिटी इज़ रियली गुड, प्लस पिक्चर क्वालिटी इज़ ऑलसम। अभी तक हैंग वैंग का इशू तो नहीं आ रहा है उस पर, और प्लस उसका एक और चीज़ है जो एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा अभी आई एम नॉट हैबिचुअल टू इट, सो मेरे को सेट होना पड़ेगा उसके वजह से, जो उसका स्विच ऑन स्विच ऑफ है और वॉइस कमांड है रिकॉर्डिंग का, तो वो मेरे को थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट अ बिग चैलेंज, इट्स इट विल बी फाइन, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को ये पे एंड करते हैं, एंड अभी जब राइड्स और एनी ट्रिप विल स्टार्ट, विल सी मोर एंड मोर ऑफ वीडियोज, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड शो योर लव एंड सपोर्ट टू दिस चैनल, एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय।